गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर वन करेंगे, दैट इज सेंटेंस। इसके रूल्स क्या हैं, हाउ वी शुड मेक अ सेंटेंस, और हमें कैसे पता लगता है दैट इट इज अ सेंटेंस। पूरा चैप्टर हम ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन इट शुड बी क्लियर। पहला टर्म है द सेंटेंस। व्हाट इज द अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। कोई भी लाइन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल, राम इज अ बॉय। ये जो एक लाइन हमने लिखी है, दैट इज अ सेंटेंस। कैसे? राम इज अ बॉय। सबसे पहली चीज, इट इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। हर वर्ड अपनी जगह पर है, सो दैट इट कैन मेक कंप्लीट सेंस। पूरा प्रॉपर मीनिंग हमें समझ आए। अगर हम इसको शफल करते हैं, बॉय, राम इज अ, हमने जंबल्ड कर दिया वर्ड्स को, तो क्या होता? इट वुड नॉट मेक सेंस। हमें मीनिंग ही समझ नहीं आता कि क्या लिखा है या क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर इट इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, अपनी जगह पे हर वर्ड है, सो दैट इट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। राम इज अ बॉय, इस लाइन में कंप्लीट है सेंस, मीनिंग हमें पूरा प्रॉपर समझ आ रहा है। That means it is a sentence. Clear? A group of words arranged properly that makes complete sense is known as sentence. Clear? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम ग्रामर में रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सेंटेंस के दो बेसिक रूल हैं। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल लेटर। कोई भी नाम आ रहा है, कोई भी वर्ड आ रहा है, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। अगर वो हम इट भी लिख रहे हैं तो आई विल बी कैपिटल, और अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं, अगर हम अमित लिख रहे हैं, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। क्लियर? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी वर्ड, फर्स्ट वर्ड आ रहा है, दैट विल बी इन कैपिटल लेटर। जब लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, वी विल राइट फुल स्टॉप। हम फुल स्टॉप लगाएंगे, दैट मीन्स द लाइन इज कंप्लीट। दीज टू रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय व्हेन वी आर मेकिंग द सेंटेंस। जब भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, ये रूल्स फॉलो दोनों होंगे। क्लियर? तीन टर्म्स हमने इस चैप्टर में अच्छे से समझी हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज प्रॉपरली मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस। Sentence will start with a capital letter, and the third one is it ends with a full stop. Clear? चलिए अब इन दो तीन दो terms, दो rules के बाद जो book में exercises हैं, that I will be sending you in PDF, do it in your books. First exercise में आपको jumbled words दिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, बॉय, राम इज अ। एक्सरसाइज वन में ऐसे ही दिया गया है, जंबल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स को इधर उधर किया हुआ है, सो इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। हमको एक्सरसाइज वन में इसी को अरेंज करना है, सो दैट वी कैन मेक इट अ सेंटेंस। क्लियर? एक्सरसाइज वन में ये है। सेकेंड एक्सरसाइज में यू हैव टू स्टार्ट द लाइन विद द कैपिटल लेटर। क्लियर? कैपिटल लेटर से लाइन स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी एंडिंग द लाइन विद फुल स्टॉप। दो एक्सरसाइजेज हैं, आई एम सेंडिंग यू द PDF, डू योर वर्क इन योर बुक्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बी रेगुलर। मैम का नंबर आपके पास है, कोई प्रॉब्लम है आप मैम को फोन करिए, टाइमली काम कंप्लीट करके मैम को सेंड करिए। इट्स योर ड्यूटी, आप
अपने आप में ड्यूटीफुल रहिए कि मैम ने वर्क भेजा है, आई हैव टू कंप्लीट, मैम ने बुक में कहा है तो यू हैव टू डू इट इन योर बुक्स, और अगर मैम ने कॉपी में बोला है यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज। अभी इस चैप्टर का पीडीएफ जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, यू हैव टू डू इट इन योर बुक्स, सो कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग की हैबिट करिए, इस पूरे चैप्टर को आप रीड करेंगे अच्छे से, सिर्फ वीडियो देखेंगे इट्स नॉट इनफ, पूरा चैप्टर प्रॉपरली रीड करेंगे और रीडिंग के बाद एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे। मैम ने पीडीएफ सेंड कर रखा है, हमारे फ़ोन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैम ने जो भेजा है हम उससे टैली करेंगे, चेक करेंगे। ओके, मेक इट अ ट्राई, गुड डे, टेक केयर।